नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों 27 अप्रैल 2019 शनिवार का दिन है और आज बैंक खातों को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर आई है। साथ ही दोस्तों टिकटॉक को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों जानेंगे इन सभी खबरों के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों आज की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण खबरें। इसीलिए इन सभी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की अपडेट मिलती रहे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर अपडेट। अगर आपने भी नकद देकर खरीदी है कार या जमीन तो हो जाइए सावधान, आप पर हो सकती है कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ समय में नकद लेन देन के जरिए कार, ज्वेलरी या जमीन खरीदे तो सावधान हो जाइए, आयकर विभाग आपसे नकद के बारे में पूछताछ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 12 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने के लक्ष्य में पिछड़े इनकम टैक्स विभाग ने नकद लेन देन वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाई है। अस्पताल के बिल का नकद भुगतान करने पर भी होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आयकर विभाग वित्त वर्ष 2018-19 में 12 लाख करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य कर चुके हैं और यही कारण कि आयकर विभाग ने सभी आयकर अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जो भी करदाता नकद लेन देन के जरिए जमीन, ज्वेलरी या कार जैसे लग्जरी आइटम या फिर अस्पताल के बिल का भुगतान करते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाए। दरअसल अधिकारियों के अनुसार अभी तक जमीन खरीदने के करीब 27,000 ऐसे मामले पकड़ में आए हैं जिनमें आयकर कानून का उल्लंघन किया करके नकद लेन देन किया गया। अधिकारियों ने बताया कि हमें जल्द ही 5,500 करोड़ रुपये की वसूली की आवश्यकता होगी और 20,000 से अधिक के नकद लेन देन पर है रोक। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे मामले हैं जो पकड़े गए हैं और सरकार और आयकर विभाग मिलकर आगे भी बड़े बड़े कार्रवाई करने की यह सोच रही है। अगर आप भी इस न्यूज से अलर्ट और अपडेट हो जाइएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर। अश्लील वीडियो अपलोड नहीं किए जाने के शर्त पर मद्रास हाईकोर्ट ने हटाया टिकटॉक से बैन। जी हाँ दोस्तों, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरे पीठ ने बुधवार को चीनी कंपनी तथा बाइट डांस की स्वामित्व वाला मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक से कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध हटा दिया गया है और दायर मुकदमे के फैसले लेते हुए पीठ ने ऐप के अंतरिम प्रतिबंध इस शर्त पर हटा लिया है कि ऐप पर अश्लील वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे। अदालत ने कहा है कि ऐसा किए जाने पर अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक ने एक बयान में कहा है कि हम इस फैसले से खुश है और हमारा मानना है कि हम इसका स्वभाव भारत में हमारे बढ़ते हुए समुदाय के द्वारा किया जाएगा जो कि टिकटॉक का उपयोग करते हुए अपना रचनात्मक प्रदर्शन दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक टिकटॉक क्रिएटर हैं या फिर टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारत में इस पर बैन हट गया और आप इसे अब गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। शुक्रवार को स्थिर रहे पेट्रोल के दाम, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट चलते पेट्रोल की कीमतें स्थिर रही जबकि डीजल की कीमतों में 7 से 8 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। देश की सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुक्रवार को पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं किया जबकि डीजल की कीमतों में 7 से 8 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। यह है पेट्रोल की कीमतें। इंडियन ऑयल यानी कि IOCL की वेबसाइट के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में गुरुवार जितनी ही बनी हुई है और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये और 2 पैसे प्रति लीटर पर हो गई है। दोस्तों चारों महानगरों के पेट्रोल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही यह है डीजल की कीमतें। शुक्रवार को डीजल की कीमतों में 7 से 8 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के ग्राहक अपने डीजल के भाव आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप पेट्रोल और डीजल के अपने गांव या अपने क्षेत्र का भाव देखने के लिए आप IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। Xiaomi ने LED स्मार्ट बल्ब किया है लॉन्च, 11 साल तक नहीं होगा खराब। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Xiaomi ने स्मार्टफोन बाजार में दबदबा बनाने के बाद में LED स्मार्ट बल्ब लॉन्च कर दिया है और इस LED स्मार्ट बल्ब को 26 अप्रैल से MI स्टोर से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं और दिल्ली में आयोजित Redmi Y3 और Redmi 7 के लॉन्च के साथ ही कंपनी ने अपना LED स्मार्ट बल्ब भी लॉन्च किया और कंपनी के दावों को माने तो यह स्मार्ट बल्ब 11 साल तक खराब नहीं होगा। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही आप इसे अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकेंगे और कंपनी के दावों के माने तो इस स्मार्ट LED बल्ब को ऐप से या वॉइस असिस्टेंट के नेट कनेक्टिविटी करने के लिए किसी भी हब या ब्रिज की जरूरत नहीं होगी और आप इसे डायरेक्ट होल्डर में फिट कर सकेंगे। MI होम ऐप में जरिए इसे आप कंट्रोल भी कर सकते हैं अपने MI के फोन से। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्ट LED बल्ब की खास बात यह है कि इसके कलर को ऐप के जरिए आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप इस कल बल्ब के ब्राइटनेस को भी ऐप के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप इसका जो मन चाहे कलर रख सकते हैं और मन चाहे आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा अपने स्मार्टफोन से ही सारे काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट।
1600 शहरों में लॉन्च होगी जियो गीगा फाइबर सेवा। 600 रुपये में मिलेगा ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और टीवी कॉम्बो। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपनी जियो गीगा फाइबर FTTH सर्विस को देश के 1600 शहरों में लॉन्च करेगी और इसके तहत अपने ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और टीवी कॉम्बो को सिर्फ 600 रुपये मिलेगा और इस सेवा के तहत आपको स्मार्ट होम नेटवर्क के तकरीबन 40 डिवाइस जोड़ने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके अलावा भी आपको कई सुविधाएँ मिलेगी। 1 साल के लिए मुफ्त रहेंगी सेवाएँ। जी हाँ दोस्तों, 1 साल के लिए आपको इसमें सभी सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी, जो कि काफी बड़ी बात रिलायंस जियो की तरफ से किया गया है। और उसके साथ ही आपको एक नेटवर्क पर जोड़ सकेंगे 40 से 50 डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, एक ही नेटवर्क पर आप 40 से 50 डिवाइस जोड़कर मजा ले सकेंगे। साथ ही में आपको मिलेगा 600 चैनल। इस ट्रिपल कॉम्बो के तहत आपको 600 चैनल मिलेंगे, जिस पर आप 7 दिन का तथा कैच अप ऑप्शन मिलेगा और लैंडलाइन में अनलिमिटेड कॉलिंग और ब्रॉडबैंड में 100 Mbps की स्पीड मिलेगी और इसकी कीमत आपको 600 रुपये देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा होगा। जब ये ब्रॉडबैंड हो जाएगा तो आपको काफ़ी इसमें अच्छी अच्छी सुविधाएं जियो की तरफ से दी जाएंगे, जो कि डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। आप व्हाट्सएप पर चैटिंग के साथ साथ कर सकेंगे पेमेंट, फेसबुक का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते करते आप डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। फेसबुक इसके लिए डिजिटल मॉड्यूल तैयार कर रही है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया है कि जुकरबर्ग ने कहा है कि भारत में पेमेंट गेटवे व्हाट्सएप पे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जुकरबर्ग ने लॉन्चिंग की डेडलाइन बताने से इनकार कर दिया है, लेकिन इसे जल्दी भारत में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद आप चैटिंग करने के साथ साथ ही आप पेमेंट भेजना या फिर किसी से पैसे मंगवाना या पैसे देने का काम आप व्हाट्सएप से बहुत ही आसानी से जल्दी कर पाएंगे। जल्दी इसका अपडेट हमें चलिए दोस्तों, अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमने आपके वीडियो के शुरू में बताया था, जो कि बैंक खातों को लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, 30 अप्रैल से PNB बंद करेगा ये खास सर्विस। ग्राहक फटाफट से निकाल लें अपना पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए भी एक बेहद ज़रूरी खबर आई है। पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक PNB ने अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया और बैंक 30 अप्रैल से अपनी खास सर्विस बंद करने जा रहा है। PNB ने ग्राहकों को इसकी जानकारी SMS, ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है और सर्विस बंद होने का असर लाखों ग्राहकों पर पड़ेगा और सर्विस के बंद होने से पहले ही ग्राहकों को अपना पैसा निकालना होगा। दरअसल PNB अपनी वॉलेट सर्विस तथा PNB किटी को पूरी तरह से बंद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये PNB की वॉलेट सर्विस है। जिस तरह से आप फ़ोनपे यूज़ करते हो, पेटीएम यूज़ करते हो, गूगल पे जैसे अलग आप डिवाइस ये ऐप जो यूज़ करते हो, उसी तरीके से ही PNB का भी एक PNB किटी ऐप मोबाइल वॉलेट है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, बिल भुगतान कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, आप सारे ही काम जिससे कर सकते थे। अब इस सर्विस को बंद करने जा रहा है PNB बैंक और इस सर्विस को दिसंबर 2016 में PNB ने लॉन्च किया था, लेकिन अब इसे 30 अप्रैल के बाद PNB पूरी तरह से बंद करने जा रहा है और इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए ग्राहकों को दे रहा है, ताकि इसमें जिस भी ग्राहक के पैसे पड़े हैं वो अपने ग्राहक अपने पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ले। अगर आप 30 अप्रैल तक ऐसा नहीं करते हैं तो आपका 30 अप्रैल के बाद जितना भी पैसा इस वॉलेट में होगा वो सारा फंस जाएगा और वो सारा बंद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी PNB के इस वॉलेट सर्विस का उपयोग करते हैं तो अपना पैसा खाते में जरूर ट्रांसफर कर लें। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट, जो कि बैंकों से लेकर ही आई है। जी हाँ दोस्तों, बैंक के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतें 25% बढ़ी हैं और इस बैंक की सबसे ज़्यादा शिकायतें आई हैं। दोस्तों, बैंकों के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों में इजाफा हुआ है। दोस्तों, जब भी आप सरकारी बैंक में जाते हो या फिर प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि बैंक वाले आपकी पूरी तरह से मदद नहीं करते या फिर आपको अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते। इसी को लेकर ही एक रिपोर्ट 2018 की जारी की गई है, जिसमें 1,63,000 शिकायतें मिली हैं और इसमें सबसे पिछले साल के मुकाबले 25% ज़्यादा शिकायतें मिली हैं और इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली हैं अनुचित व्यवहार की, यानी कि आपसे अच्छी तरीके से बैंक वाले बात नहीं करते, आपको पूरी जानकारी नहीं देते। इस प्रकार की शिकायतें आपने भी कई बार महसूस की होंगे, बैंक में गए होंगे तब इसी प्रकार की शिकायतें जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI को मिली हैं और सबसे अधिक शिकायतें 47,000 शिकायतें मिली हैं भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है और यह देश का सबसे बड़ा बैंक होते हुए भी इतनी शिकायतों के साथ टॉप पर है। दोस्तों, आप भी कई बार बैंक में जाते हो तो आपके साथ भी गलत व्यवहार होता होगा। आप भी अगर इसकी शिकायत करते हैं तो आपको भी एक उचित कार्रवाई के दौरान आपको भी उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा, यानी आपकी शिकायत की भी कार्रवाई की जाएगी। तो जब भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार बैंक में हो तो आप उसकी शिकायत जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका ये होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल तक आधार कार्ड कई सरकारी कार्यों के लिए आवश्यक था,
था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे कि इस सिम कार्ड के लिए आपको आधार देना जरूरी नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आधार कार्ड की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। आधार कार्ड आज भी एक ज़रूरी पहचान पत्र है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब हमें अचानक से आधार की ज़रूरत पड़ती है और हमें ऑनलाइन आधार निकलवाना होता है, लेकिन मोबाइल नंबर बदल गया है होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने मोबाइल नंबर बदल लिया है तो आपको अब आधार कार्ड कैसे निकलेगा और आप मोबाइल नंबर को आधार कार्ड में कैसे अपडेट कराएं, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। यदि आप भी घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो भूल जाइए, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। आप खुद से आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट सिर्फ आधार कार्ड सेंटर पर ही होंगे। वो तो अब सवाल आता है कि आपके घर के पास आधार सेंटर की जानकारी कैसे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आपके घर के पास आपको आधार सेंटर की जानकारी कैसे मिलेगी। आपको अपने मोबाइल में ठीक घर बैठे आप पता लगा सकते हैं कि आपका आधार सेंटर आपके पास कहाँ पर है। सबसे पहले आपको फ़ोन के ब्राउजर में तथा uidai.gov.in पर जाना होगा, और इसके बाद आपको बाईं तरफ अपडेट आधार विकल्प मिलेगा। आपको इस अपडेट आधार विकल्प पर जाना होगा और अपडेट सेंटर के विकल्प पर आप जाते हैं तो इसके बाद में आपको वहाँ पर एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें सर्च करने पर आपको स्टेट और आपका पिन कोड, और आप जैसे ही इन पिन कोड डालकर सर्च करते हो तो आपके एरिया में जितने भी आधार सेंटर हैं उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, और वहाँ पर जाकर आप बिल्कुल आसानी से अपने मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की अगली बड़ी खबर अपडेट। सरकारी नौकरी के नाम पर यह वेबसाइट लगा रही है चूना, सरकार ने जारी की है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोगों की चाहत सरकारी नौकरी की होती है, इसके लिए वे काफ़ी मेहनत भी करते हैं। जैसे कि उन्हें पता चलता है कि कहीं कोई सरकारी नौकरी निकली है तो वे तुरंत उसके लिए आवेदन करते हैं, और अब तो अधिकतर आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन के चक्कर में कई लोगों के साथ ठगी भी हो जाती है। अब सरकार ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली एक वेबसाइट को लेकर चेतावनी जारी की है। आइए आपको, यदि आप भी आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम से किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप असली वेबसाइट पर जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर कई सारी फर्जी वेबसाइट चल रही है और लोगों को चूना लगा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आयुष्मान भारत की डिजिटल CEO दिनेश अरोड़ा ने एक वेबसाइट के बारे में बताया है, जिसके बारे में सरकार ने खुद जारी किए हैं कि आयुष्मान भारत नाम से कई फर्जी वेबसाइटें खुल गई हैं और उन पर आपको कोई भी जानकारी अपनी नहीं देनी है। साथ ही दोस्तों, आपको कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप जरूर उसके बारे में जान लें कि सही है या फिर गलत साइट है, क्योंकि ज़्यादातर फर्जी साइटें होती हैं और वो आपसे 200 और 500 रुपए का भुगतान करवा लेती हैं, उसके बाद आपको कोई भी जानकारी वहां पर नहीं मिलती। इसीलिए आप कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले पूरी तरह से जांच उसकी इंक्वायरी करवा लें कि वो ऑफिशियल साइट पर, यानी किसी भी जो वैकेंसी निकली है उसकी ऑफिशियल साइट पर है या फिर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट, मुख्य समाचार। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।